गाइस गुड मॉर्निंग, राम राम सर सभी को। कैसे हो दोस्तों आप? तो गाइस अभी मैं ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ पे मिलती हैं 6 से 7 तरह की पकौड़ियाँ और इसी चीज़ के लिए फेमस है, बहुत टेस्टी पकौड़ियाँ होती हैं यहाँ की। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ लोकेशन कहाँ है ये। तो गाइस ये है प्रतापगढ़ चाट पकौड़ी भंडार। लोकेशन बता देता हूँ कहाँ है, ये है अशोका टाकिस, ये मालाखेड़ा बाजार यहाँ ख़त्म हो रहा है और ये स्कूल है, इसके जस्ट कॉर्नर में इन्होंने लगाई हुई है और वहाँ पर अभी भैया पालक की पकौड़ियाँ तल रहे हैं। तो भैया पकौड़ियाँ कैसे देते हो आप? ये 50 की 250 ग्राम। 50 की 250 ग्राम। और ये ब्रेड पकौड़े 15 रुपए का एक। और ये मिर्ची, ये भी 50 की 250 ग्राम। अच्छा, सारी 50 की 250 ग्राम है, ये 15 का है। और अभी मिर्ची बड़ा जो बनाओगे कितने का देते हो? 15-20 रुपए का बैठता है, तोल के हिसाब से बैठता है वो। अच्छा अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 16 साल हो गए। आप यहीं के अलवर के हो? तो ये सारा काम कहाँ सीखा भैया आपने? काम हलवाई का काम है, पहले से था? पहले क्या बनाते थे? पहले शादियों में काम करते थे, उसके बाद अपना खुद का खोला। शादी पार्टी नहीं, बाकी सब ये काम करते लेते हो? क्या टाइमिंग रहती है आपकी सुबह से और सारा रात तक? 8-8.30 रहता है। अच्छा अच्छा, अभी मिर्ची बड़ा बनाएंगे, वो भी देखेंगे अपन। भैया अभी किसकी पकौड़ी बन रही है? पालक की बन रही है भैया। पालक की? अच्छा, इसमें क्या क्या मिलाया होता है वैसे आपने? सौंफ, धनिया, अजवाइन, अच्छा, मिर्च, कस्तूरी मेथी, अच्छा, और स्वाद के अनुसार नमक। तो ये बेसन भी है इसमें? बेसन। अच्छा, इसके अलावा और कितने तरह की पकौड़े बनाते हो? 6 तरह। कौन कौन सी? आलू गोभी, प्याज, दाल पालक, मिर्ची बड़े, मिर्ची। मिर्ची बड़े भी बनाते हो? बना हुआ है अभी मिर्ची बड़ा, अभी बनाएंगे। कितने बजे आ जाते हो मॉर्निंग में? मॉर्निंग में हम 9 बजे आ जाते हैं। अभी आए हो, धीरे धीरे बना रहे हो? हाँ। ये पहला आइटम बन रहा है अभी? नहीं, वैसे तो सब कुछ बना चुके हैं, सारा आइटम बना चुके। अच्छा, ये लास्ट है जो बना रहे। यहाँ क्या क्या मिलता है? ये आलू की पकौड़ी है, ये प्याज की पकौड़ी है, ये दाल की पकौड़ी है, मूंग की दाल, ये है मिर्ची की पकौड़ी जो प्योर मिर्च लंबी बनी हुई है, ये है ब्रेड पकौड़े और वहाँ पे अभी बन रहे हैं पालक की पकौड़ियाँ, इसके बाद मिर्ची वड़ा भी बनाएंगे ये। शाम को सब में से ना 50 रुपए की सारी पकौड़ी में से दे दोगे? हैं? नहीं, पैक कर दो रिव्यू करने के लिए ताकि हम भी टेस्ट करके देखें। सब डाल दो और एक ब्रेड पकौड़ा दे देना, ठीक है? हाँ, मतलब अलग दे देना जो भी आपका रेट है, ठीक है? टोटल कितने तरह की हो गई पकौड़ियाँ? 5 और 2, ये एक ब्रेड पकोड़ा और एक दो, एक मिर्ची बड़ा मिला के 7 हो गई, 8 मिर्च। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 50 रुपए की 250 ग्राम। तो अंकल जी आप यहाँ कब से खा रहे हो पकौड़ियाँ? 5 साल से खा रहे हो। कैसी लगती है इनकी पकौड़ी? मस्त, सारी पकौड़ी मिक्स करके खाते हो? अच्छा अच्छा, इंजॉय कीजिए भैया। तो पकौड़ी के साथ आप कौन कौन सी चटनी देते हो भैया? खट्टी, मीठी, लहसुन, 3 तरह की। अच्छा, खट्टी, मीठी और लहसुन, ओके, जो जिसको जैसे खानी वैसे दे देते हो, ठीक है। मैंने तो पैक करा ली है 6 से 7 तरह की पकौड़ियाँ, ब्रेड पकौड़ा भी इसमें, और अब घर जाके अपन टेस्ट करेंगे कि आखिरकार ये है कैसी, कैसा स्वाद है, बहुत गर्मा गर्म है। चलिए गाइस घर चलके देखते हैं। गाइस सारी पकौड़ियाँ रख ली हमने 8 तरह की। ज्योति कैसी लग रही है? घटिया क्वालिटी के। ओए इसमें तो मिर्ची ज्यादा है, तो इसमें सबसे ज्यादा घटिया। तो मेरा तो यही रही, मैं तो इसको खाना मत। सही सही बताया, सही से बता। सही बता यार। लाइक करो, फॉलो करो और रड़ा दो वीडियो को। अरे मैं कह रहा हूँ सही से बता, मजाक की बात दूसरी। कौन सी पकौड़ी अच्छी लग रही है नस्ते? वो कौन कौन सी? मैंने पूछा। अरे बता दे यार, नाटक कर रही तू भी। कौन कौन सी मतलब अच्छी लग रही है बता। सारी बढ़िया। सब में से एक खा के देख ली तूने? हाँ। सबसे टेस्टी कौन सी लगी? सारी अपनी जगह सारी बढ़िया। फिर भी एक चीज है कि यार ये मुझे तो ये वाली पसंद है ज्यादा, पालक की। अच्छा, पालक और दाल की। तो लहसुन की चटनी हो रही है इसमें? तू किससे खाना पसंद कर रही है? मैं लहसुन चटनी खाता हूं। अच्छा ठीक है, गाइस अपन भी टेस्ट करके देख लेते हैं। हाँ, बेसिकली जो मुझे पसंद है ना वो गोभी की ज़्यादा पसंद है और प्याज की ज़्यादा पसंद है।
ये रही प्याज की, इसको मैं और मेरे को लहसुन की चटनी पसंद है। भाई टेस्टी तो है। और अलवर में एक लौती जगह जहाँ से पकौड़ियाँ मिलती हैं, तो मज़ा आ गया। लोग को कहते हैं यार अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।